डिसगाइजप्लॉयमेंट जब हम बात करते हैं डिसगाइजप्लॉयमेंट की तो यह बेसिकली पोर्शन है लेबर फोर्स का दैट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग प्रोडक्टिवली इन दोटल आउटपुट जब आप बात करोगे जब हमने बात की अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर की तो वहां पर हमने बात की कि मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज लेस देन दबसिस्टेंस वेज और अगर वहां पर आप कह लें मार्जन प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन द ट्रेडिशनल सेक्टर

इस डिस्काइडम्प्लॉयमेंट इज इन फैक्ट डिफाइंड एज द गैप बिटवीन द नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल फॉर वर्क एंड द अमाउंट ऑफ इम्प्लॉयमेंट एट विच मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू सबसिस्टेंस वेज. सेकेंड में क्या होगा द गैप बिटवीन द वर्कर्स अवेलेबल फॉर द वर्क एंड द एम्प्लॉयमेंट एंड द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट विच मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज जीरो और थर्ड सिचुएशन क्या है कि अगेन इट इज गैप बिटवीन द नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल एंड द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट वेज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अगेन जीरो बट बिकॉज ऑफ चेंज बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट सेम लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी विद फ्यू वर्कर्स अब इन थ्री आप लें जो इंटरप्रिटेशन है डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट की उसको हम इलेबरेट करने के लिए इस डायग्राम में हमने नंबर ऑफ वर्कर्स हॉरिजेंटल एक्सिस पे लिए और मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर वर्टिकल एक्सिस पे और ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अब अगर हमारी एजम्पन ये हो कि ए इज़ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट और सब्सिस्टेंस वेज अगर हो मेरे पास W और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इट डिनोट्स द सब्सिस्टेंस वेज और यहां पे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर हम एज्यूम करें कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी अप टू द पॉइंट वेयर मॉडर्न प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू सब्सिस्टेंस वेज तो देन एस नंबर ऑफ वर्कर्स विल बी यूज्ड टू कैरी आउट प्रोडक्शन और ये जो डिफरेंस है बिटवीन नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल एंड नंबर ऑफ वर्कर्स इंप्लॉयड और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स हमने कहाँ तक एम्प्लॉय किए अप टू पॉइंट वेयर मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू सबसिस्टेंस वेज तो हम इसको कहेंगे दिस इज डिस्गज अनएम्प्लॉयमेंट क्या द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एस इज कॉल्ड एज डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट और अगर हम इसी को डिफाइन करें जी दिस अन दि, आन, डिसम्प्लॉयमेंट ज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल माइनस द नंबर ऑफ वर्कर्स इंप्लॉयड एट अ पॉइंट वेयर मार्जन प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरोन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस डायाग्राम में डी पॉइंट डिनोट्स द नंबर ऑफ वर्कर डी डिनोट द नंबर ऑफ वर्कर्स वेयर मार्जन प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू जीरो और ये जो डिफरेंस है बिटवीन ए एंड डी इसको हम कहते हैं दिस इज स्टेटिस स्टेटिस स्टेटिक सरप्लस हम इसको कहते हैं अगेन दिस इज डिस्ड अनएलॉयमेंट लेकिन इसके लिए जो हम टर्मिनोलॉजी कभी कभी यूज करते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल बाई डी इज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंप्लॉयड अपर मार्जिन प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो अब अगर हम यहां पर एज्यूम करें कि बिकॉज ऑफ समेक्निक टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट मेरी मार्जिन प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर पिवट कर गई अगेन क्या जी अगर हम इक्व अब यहां की फ्रॉम एमपी टू एमपी वन दैट इज बिकॉज ऑफ टेक्निकल चेंज क्या जी सेम लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग लेसर क्वांटिटी ऑफ दी अगेन हमारी यहां पर अगर मैं सबसिस्टेंस वेज के रेफरेंस में बात करूं तो अप टू एस क्या है के एस इज द्वाइट इज द लेबर इज द क्वांटिटी ऑफ लेबर वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अलोंग एम पी वन इक्वल टू सबसिस्टेंस फेज लेकिन हमने यहां पे भी उसको किस रेफरेंस में डिफाइन किया था कि इट इज द मार्जिन दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स एट विच मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू जीरो अंडर न्यू मैथड्स अंडर न्यू मैथड ऑफ प्रोडक्शन और यहाँ पे इस यहाँ पे क्या है यू इज पॉइंट इज यू इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू जीरो अलॉन्ग न्यू मार्जिनल प्रोडक्ट कर बिटवीन ए एंड यू ये भी क्या है दिस इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन इसके लिए हम टर्म, टर्मिनोलॉजी कभी कभी यूज करते हैं डायनेमिक सरप्लस अब ये जितनी भी हमने यहां पे डिफाइन किया ये तीनों मेरे पास डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट ही हैं एक में हमने अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन किया विद रेफरेंस टू विद रेफरेंस टू लेबर फोर्स अप टू द पॉइंट वेयर मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू सबसिस्टेंस वेज और बाकी दो में हमने डिफाइन किया विद रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल एंड द पॉइंट वेयर मार्जिन प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो और जब आपके पास बिकॉज ऑफ टेक्निकल चेंज अब क्यों देर इज मार्जिन प्रोडक्ट तो उस रेफरेंस में जब हमने उसको डिफाइन किया जो टेक्निकल चेंज होते हैं इट यूजली रिक्वायर्ड सर्टन टाइम पीरियड तो हमने वहां पे इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज कर दी सरप्लस और जब हमने ओरिजिनल मार्जिन प्रोडक्ट के रेफरेंस में इसको डिफाइन किया तो हमने उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज कर दी स्टेटिक सरप्लस अब यहां पे बेसिकली देर आर थ्री वेज टू फाइंड आउट

जो भी आपके पास ट्रेडिशनल सेक्टर है जो आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है वहां से लेबर को विद्रॉ करो और फिर देखो क्या इस विड्रॉल ऑफ लेबर का आउटपुट पे कुछ इंपैक्ट आया अगर वहां पे कुछ इंपैक्ट आएगा तो हम कहेंगे देयर इज नो डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट इन ट्रेडिशनल सेक्टर अब 1918, 19 में आप कह लें एग्रीकल्चरल लेबर इंडिया में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लेबर किल होगी बिकॉज ऑफ इंफ्लुंजा ये जी एट परसेंट लेबर फोर्स एग्रीकल्चर लेबर फोर्स इज स्किल्ड बिकॉज ऑफ इंफ्लुजा लेकिन ये जो लेबर फोर्स स्किल हुई उसकी वजह से आपके एग्रीकल्चर आउटपुट पे क्या आया सम नेगेटिव इंपैक्ट आया तो जो शॉर्ट था उसने कंक्लूड किया कि देयर इज नो सरप्लस लेबर इन द इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर फिर इसी पैटर्न पे हम इसको मैयर कर सकते हैं

और अब जब हम यहां पे बात कर रहे हैं हम किस आउटपुट की बात कर रहे टॉकिंग अबाउट द आउटपुट दैट इज करोड इन ट्रेडिशनल सेक्टर और ट्रेडिशनल सेक्टर हमारे पास यहां पे क्या है एग्रीकल्चरल सेक्टर फिर इसी पैटर्न पे हम इसको आप कह लें एग्जिस्टेंस ऑफ डिसम्प्लॉयमेंट हम मैय कर सकते हैं बाय एस्टीमेटिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फंक्शन हाँ जी प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है हमने बात की थी आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब यहां पे हम एक यहां पे जो मेरे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा हम वहां फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एस्टिमेट करेंगे आफ्टर एस्टिमेशन ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन हम वहां पे कंप्यूट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर इफ कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो तो वह मुझे कैंडिकेट करेगा देयर इज नो सरप्लस लेबर देर इज नो डिस्गइज अनएम्प्लॉयमेंट इन ट्रेडिशनल सेक्टर क्या जो आपके पास डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है दिस इज बेसिकली दैट पोर्शन ऑफ द लेबर फोर्स दैट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन दैट दैट इज नॉट हैव अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इन आउटपुट क्या जी अगर मैं उस लेबर फोर्स को उस प्रोडक्शन प्रोसेस में से विद्रॉल भी कर लूं, तो वहां पे क्या होगा देयर इज नो इंपैक्ट ऑन टोटल आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय दैट सेक्टर